ताज़ा तरीन एप्पल के नए आईफोन्स के बारे में खबरों का सिलसिला शुरू। 925 गूगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल की जानिब से 15 में कंप्यूटिंग पावर की बजाय बैटरी लाइफ को बेहतर बनाने पर ज्यादा तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस मकसद के लिए A17 प्रोसेसर को इस्तेमाल किया जाएगा। एप्पल के लिए चिप बनाने वाली कंपनी TSMC के मुताबिक आईफोन 15 के प्रोसेसर में परफॉर्मेंस की बजाय बैटरी लाइफ को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। TSMC की 3nm टेक्नोलॉजी पर मबनी यह प्रोसेसर आईफोन 15 सीरीज का हिस्सा बनेगा। इस वक्त आईफोन 14 प्रो मॉडल्स में 5nm टेक्नोलॉजी पर मबनी प्रोसेसर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 2023 के आईफोन मॉडल्स में पहली बार चार्जिंग के लिए USB Type-C पोर्ट भी दिए जाने का इम्कान है। इसी तरह आईफोन 15 और 15 प्लस की कीमत भी आईफोन 14 और 14 प्लस के मुकाबले में कम की जा सकती है। इसकी वजह आईफोन 14 प्लस की फरोख्त तवक्कुआत के मुताबिक न होना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम उसी तरह टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।